हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देख रहे हैं आपके पर्सन के क्या हैं लेट नाइट इमोशंस, लेट नाइट फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शन इनका आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या इनकी तरफ से आप किसी तरह के एक्शंस की कोई अब उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं तो कब तक ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है, इस चीज को इस रीडिंग में देखा जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले अगर आप मुझसे पहली बार इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखना है कार्ड्स निकालते दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें एंड हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लें। तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं व्यूअर्स। मेंबरशिप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 29 रुपीज पर मंथ की, आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को, बताइए स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को, स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। तो पहले है बिलीव इन एंड सक्सेस, सैडनेस एंड आइसोलेशन, चेंज ऑफ फोकस, थर्ड आई चक्र एंड बॉटम इज कन्फ्रंट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं राशियां डिस्कस करूं तो यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट्स काफी खास दिख रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला इनको मैं राशि, वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, फायर एलिमेंट हो गया एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह, एंड धनु राशि आपका पाइसेस है जो काफी स्ट्रांग में दिखा। नंबर्स अगर डिस्कस करे जाएं तो 6, 3, 5, 18 एंड 9 एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो जून, मार्च, मई एंड आपका सेप्टेम्बर मंथ, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो सकता है। तो करंट स्टेट ऑफ माइंड को अगर देखा जाए ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपको लेकर अपना जो भी इनका परसेप्शन बना हुआ था काफी लंबे समय से, या जिस तरह से भी आपको देख रहे थे, आप में नुक्स निकाल रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, या पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि ये पर्सन आप पे काफी सारे ब्लेम्स भी लगा रहे थे, लेकिन इस वक्त भी मुझे इनका जो परसेप्शन नजरिया आपको लेकर दिख रहा है ना, वो बदल रहा है। देखिएगा यहाँ पर चेंज ऑफ फोकस, यानी कि ये पर्सन अपने आप से ही आपको लेकर काफी अलग चीजों को फील कर पा रहे हैं। आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, इस इंसान को एक अलग वे में इस वक्त में रिप्रेजेंट हो रही है, और उस ऑरे में कहीं ना कहीं इस इंसान को ये विश्वास होता जा रहा है कि जो भी चीजें हुई हैं उन चीजों ने आपको कामयाबी दी है, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, या पॉसिबिलिटीज है, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। तो वो सभी चीजें इस इंसान को इस वक्त में व्यूअर्स उदास कर रही है, वो सभी चीजें इस इंसान को आइसोलेशन में लेकर जा रही है, यानी कि वो सच है जिस सच से ये पर्सन काफी लंबे समय से बचते आए हैं, बचाते आए हैं अपने आप को, और उसी सच का सामना इस इंसान को इस वक्त में करना पड़ रहा है। वो डर है जिसे कभी भी आपके पर्सन ने आपके सामने रखा नहीं, आने नहीं दिया, कि आप अगर इनकी जिंदगी से मूव ऑन करके जाते हो तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव इनकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके मूव ऑन करने से इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है, कामयाबी किसके हिस्से है, या आपके मूव ऑन करने से इनके ऊपर उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज का सामना आपके पर्सन इस वक्त में कर रहे हैं। भले आप में से जो मेरे कुछ व्यूअर्स है वो अभी गए ना हो, पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, और अभी तक ये पर्सन अपने एक माइंडसेट के साथ रहे कि ठीक है आप जा भी रहे हो तो इनके ऊपर उस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में ये पर्सन समझ पा रहे हैं खुद से, जो इन्हें डर महसूस करा रहा है कि नहीं आपके जाने का असर डेफिनेटली इनके ऊपर पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि आपके जाने से इस इंसान की इमेज पर, रेपुटेशन पर भी असर पड़े, ठीक है, यानी कि किसी तरह से तो आप इस इंसान की रेपुटेशन को ना जाकर बचा रहे हो, सेफ एंड सिक्योर कर रहे हो, या फिर अभी आप अगर वेटिंग मोड पे हो तो कहीं ना कहीं खतरा आपसे कम है, लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हो तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए खतरे से खाली भी बन जाओगे। वो डर भी इस इंसान को इस वक्त में काफी ज्यादा उदास कर रहा है, या आइसोलेशन में लेकर जा रहा है, या उस डर का ये पर्सन इस वक्त में सामना कर रहे हैं, ये चीजें हैं। मुझे ये चीजें भी दिख रही हैं व्यूअर्स, काफी लंबे समय से ये पर्सन अपने थर्ड आई चक्र पे काम नहीं कर रहे थे, और इस कारणवश यहाँ पर इनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक था, लेकिन इस पल में क्योंकि इनके फोकस यहाँ पे बदल रहे हैं या सही डायरेक्शन में इन्हें लेकर जा रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र इनका एक्टिवेट भी हो रहा है यहाँ पे।
थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर काफी लोगों के केस में व्यूअर्स बनते हुए दिख रही है, और कहीं ना कहीं अभी तक थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आकर, उसकी बातों में आकर इस इंसान को यही चीजें थी कि इनके ऊपर आपके जाने का, दूर जाने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो डर जो इनका एक्चुअली में है ना, वो डर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, या उस डर का ये पर्सन सामना कर रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे आपके पर्सन की कैसी भी एनर्जी दिख रही है व्यूअर्स, ना सिर्फ केवल ये इनका खुद का डर है, ये थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड कोई ऐसा डर है जिससे ये डरे पड़े हैं। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किसी तरह से तो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, चाहे कोई जादू टोना ब्लैक मैजिक के थ्रू कर रखा हो, या इनके ब्रेन को वॉश करके कर रखा हो, या ब्रेन इनका अपने पूरे कंट्रोल में करके कर रखा हो, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है, और आपके पर्सन का फोकस जो अभी इस वक्त में आपकी तरफ बढ़ रहा है, या इस चीज का डर इनके दिल में डेवलप हो रहा है ना कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपका फोकस इनसे चेंज हो रहा है, कि उसका कारण भी ये है कि इनका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट है, जिसके चलते ये वो चीजें देख पा रहे हैं जिसे थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों के केस में है वो नहीं चाहती है इस इंसान को वो चीजें दिखे, चाहे वो थर्ड पार्टी का डार्क साइड हो, उसके सीक्रेट्स हो, या फिर आपके पर्सन का वो डर जो अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि आप अगर इनकी जिंदगी से दूर जाते हो ना तो इन चीजों का डेफिनेटली असर पड़ेगा इनके जिंदगी पर, उस चीज को ये फेस नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें भी हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ व्यूअर्स, तो मैं आपको और अच्छे से चीजें क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए बिलीव एंड सक्सीड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है, स्प्रेड गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ वैंड्स, ये आपका अपराइट में है, एंड द वर्गो, सॉरी एंड द हर्मिट। देखिए अगर बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं जिसके विषय में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, कि इन्होंने जो भी पास्ट में फैसला लिया या जिस चीज़ में इन्होंने कामयाबी देखी आपसे दूर जाकर, थर्ड पार्टी में आकर जिस भी तरह का इन्होंने फैसला देखा लिया, वो फैसला इन्हें बहुत ज़्यादा अकेला कर गया, या वो फैसला इन्हें बिल्कुल अपने आप में तन्हा कर गया, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा रह कर समझ में आ रही है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को अकेला देख रहे हैं या महसूस करा जा रहा है, उतना ज्यादा ये आपको कामयाब होते हुए, या उतना ज्यादा इनका भरोसा इस चीज पर ज्यादा डेवलप हो रहा है कि आप कामयाब हो रहे हो, आपको कामयाबी मिली है, इनको यहाँ पे हार मिली है, या ये यहाँ पर नाकामयाब हुए हैं अपने इस फैसले के साथ, जो शायद किसी प्रेशर में आकर लिया, या फिर ब्रेन वॉश होने की वजह से लिया, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सच जो अनदेखा अनछुआ था उसकी वजह से इन्होंने वो फैसला लिया, लेकिन आज इस पल में ये पर्सन उस स्टेज पर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं जहाँ पर डेफिनेटली अपना ये खुद का फैसला इन्हें बेइंतहा अकेला कर गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा गहन सोच में है ये पर्सन, और अपनी लाइफ को लेकर होपफुल तो डेफिनेटली है, लेकिन इनकी जिंदगी में डेफिनेटली अभी भी रास्ता आसान नहीं है, दो फीलिंग भी इनकी है, एज एन काफी सारे आसपास के लोगों को लेकर एक परसेप्शन इनका ये भी बन रहा है कि आसपास के लोग इन्हें ना तो आप तक पहुंचने देंगे, इनकी कामयाबी तक पहुंचने देंगे, वो इनकी जिंदगी में आज भी अब भी रोड़ा क्रिएट करेंगे, यानी कि आपकी तरफ बढ़ने नहीं देंगे, उस चीज को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस इंसान को हो रहा है। ज्योग्राफिकली लेवल पे मुझे आप दोनों के दरमियान काफी ज्यादा डिस्टेंस नजर आ रही है, और दूर भले हैं आपसे ये पर्सन, लेकिन दूर से भी आपको देखा जा रहा है, वॉच करा जा रहा है। यहाँ पे काफी लोगों के केस में चांसेस है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही रहा, तभी इस इंसान ने इतना आसानी से ये फैसला ले लिया, या तभी ये पर्सन इतने आसानी से किसी की बातों में भी आ गए हैं। व्यूअर ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि दिन में फिर भी ये पर्सन नॉर्मल रह पाते हैं, ये अपने आप को नॉर्मल रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, वैसे ही इस इंसान को वो रात डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, या इन्हें बहुत ज्यादा अकेलेपन का एहसास दिलाना शुरू कर देती है, तो वो भी यहाँ पर मुझे काफी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। दिन फिर भी जैसे तैसे अपने आप को बिजी रखकर ये पर्सन स्पेंड कर देते हैं, लेकिन रात होते ही इस इंसान को बहुत ज्यादा अकेलापन और खालीपन महसूस होने लगता है, और स्पेशली ये चीजें फील होने लगती हैं कि नाकामयाब हो गए हैं, आप मूव ऑन कर गए हो, तो वो चीजें हैं, ठीक है। व्यूअर्स के पर्सन के सैड और आइसोलेशन होने के पीछे का कारण क्या बना हुआ है, स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। King of Cups and King of Wands.
दोनों रिवर्स्ड में आया है। देखो इनके उदास होने के पीछे का कारण है व्यूअर्स आपका मुंह मोड़ लेना या आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेना या कहीं ना बात करके अब इस चीज का एहसास दिलाना कि हाँ इनसे गलती हुई है, क्योंकि मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं ये उस किस्म के इंसान है जो इतनी आसानी से अपनी गलती मानते नहीं है, ठीक है। और उसके अलग एक और चीज मुझे दिख रही है कि ये पर्सन उन लोगों में से है जब किसी और से गलती होती है तो ये उसको बख्शते भी नहीं है, उससे बात करना बंद कर देंगे, मुंह फेर लेंगे, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं आप इस वक्त में भले आप इस चीज को इंटेंशंस के साथ या किसी इरादे के साथ नहीं कर रहे हो, लेकिन यही चीज इस इंसान का हथियार थी। ये पर्सन दूसरे को एहसास दिलाने के लिए, उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल करते आए हैं। और अब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुंह मोड़े हुए हो या अपने इमोशंस को आपने काबू करके रख रखा है ना, तो इन्हें सेम डिटो यही चीजें फील हो रही हैं। इन्हें यहाँ पर ये चीजें ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं ना कि आपको इनसे अब कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो भी आपको इनसे मिल रहा था, ठीक है, कुछ तो मिल रहा था, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या फिर गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, जो भी आपको मिल रहा था इनके अकॉर्डिंग तो मिल रहा था, चाहे वो इनके लक के बेस पर मिल रहा हो या फाइनेंशियली वे में मिल रहा हो। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, वो अपने आप को अपने आप से ही मास्टर बना लेते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये भ्रम पाल लिया था कि आपके मास्टर हैं, ठीक है, और इनकी वजह से ही आपको मिल रहा है। लेकिन आपके मुंह मोड़ने के बाद इन्हें ये चीजों का एहसास हो रहा है कि आपको इन सभी चीजों की कोई परवाह नहीं रही है। आप जब उन चीजों को लेकर कोई फिकर ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब बनता है आपका इनकी तरफ बढ़ने का, या फिर क्या अब क्या आपको फर्क पड़ता है कि ये इस रिश्ते की लीड लेते हैं, संभालते हैं या नहीं संभालते हैं। तो ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन की इस वक्त में जो ज्यादा इन्हें उदास और आइसोलेशन में लेकर जा रही है कि अब आपको ना इनके मुंह फेरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले जरूर से पड़ता था। जब ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे तो आपको वो बात चुभती थी, आप उससे हेल्पलेस होते थे, आपको ऐसा लगता था पता नहीं क्या गलती आपसे हो गई जो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है। लेकिन अब इनके मुंह मोड़ने से भी आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट मीन्स जो चीजें इनकी तरफ से आपको मिल रही थी आपको उनसे कोई लेना देना नहीं रहा है। तो वो चीजें हैं, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग में ये भी वाइब्रेशन आ रही है, जो भी इन्हें इनसे आपको मिल रहा था उसे जताया भी जाता था, ठीक है, उसे एक्सप्रेस करा जाता था, हाईलाइट करा जाता था कि भाई मेरी वजह से तुझे ये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब अल्टीमेटली आई डोंट केयर, वो एटीट्यूड ये पर्सन आपका फील कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये पर्सन अगर अपना फोकस आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं तो आपका फोकस भी ये चेंज होते हुए फील कर पा रहे हैं ना व्यूअर्स। ये चीजें हैं, गाइड की जो बताइए स्प्रेड गाइड चेंज और फोकस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर अगेन इन रिवर्स। ये आपका टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। देखो इस चीज को लेकर तो इन्हें श्योरिटी होती जा रही है जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है कि अब आपका जो फोकस है वो इनसे बदल रहा है। पहले आपका फोकस था कि मैं कैसे उसे प्यार दे दूं, कैसे उसकी परवाह करूं, कैसे उसकी केयर करूं, कैसे उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर लेकर आऊं, अपनी तरफ लेकर आऊं, या कैसे उसको इन चीजों का एहसास दिलाऊं कि वो जो भी कर रहा है या कर रही है वो गलत है। लेकिन अब आपको ना परवाह नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी आई डोंट केयर। अब आपको अगर परवाह है तो अपने आप की, अपने इमोशंस की, अपने मान सम्मान की, वो चीजें आपके पर्सन को ज्यादा फील हो रही है कि फोकस धीरे धीरे करके आपका हटता जा रहा है। आपको ना इस तरह से रहने की आदत पड़ती जा रही है या आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस आदत में ढालते जा रहे हो। आप डेफिनेटली इस इंसान को अपने आप से दूर जाते हुए व्यूअर्स इस वक्त में फील हो रहे हो, जबकि इनके पास वो सभी चीजें आज भी है जो आपको ये देते थे या इनको ये फील होता था मेरी वजह से तुम्हें मिल रही है, वो चीजें आज भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं आपके जाने का क्या इंटेंशन है या आप क्यों जा रहे हो। आपको यहाँ पर वो चीजें नहीं चाहिए जो इन्हें लगता था कि ये दे रहे हैं, आपको चाहिए था मान सम्मान जो ये आपको नहीं दे रहे थे अपने तीखे वाणों की वजह से, अपने मुंह के तीखे बोलों की वजह से आपको वो नहीं चाहिए, और यही कारण बन रहा है आपके फोकस के चेंज होने का।
ठीक है। सो वैसी फीलिंग भी आपके पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि देखो इन्हें भी ये चीजें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने जो जो चीजें आपको दी या जिन जिन चीजों को लेकर इन्हें अहंकार आया कि मेरी वजह से उसे मिल रहा है, वो सभी चीजें अब आपने अपनी पाँव की जूती के बराबर भी नहीं गिन रखी हैं, तभी यहाँ पे आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो, ठीक है। इन्हें डेफिनेटली घमंड जो है वो खा गया, या आपके रिश्ते को इनका घमंड खा गया, ये चीजों तो यहाँ पर है व्यूअर्स, ठीक है। इन चीजों का अफसोस तो है, लेकिन इस अफसोस के चलते कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या कोई सॉल्यूशन इन्हें नहीं निकल के आ पा रहा, स्पेशली उस वे में जैसे ये अभी तक निकालते आए हैं, जैसे कि सांप भी मर गई लाठी भी ना टूटे, तो उस तरह के सॉल्यूशंस ये निकालते अभी तक तो आए हैं, लेकिन इस वक्त में वो एनर्जी है जैसे अब वो भी सॉल्यूशन इनके खत्म हो गए हैं, वो पैतरे भी अब आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स एंड एम्प्रेस एंड ओवरऑल एनर्जी है सेवन ऑफ वैंड्स। दो चैलेंजेस इन्हें सबसे ज्यादा अपने आसपास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला तो अपने डार्क साइड को, अपनी गलतियों को डिफेंड करना, उनसे अपने आप को बचाना, उन्हें हाईलाइट ना होने देना। दूसरा आपका परसेप्शन चेंज हो जाना, और उस परसेप्शन के चेंज होने पर आपके लिए अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका परसेप्शन चेंज होने पर आप इनके लिए उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनते जा रहे हो। तो जो दो चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसके चलते सो नहीं पा रहे हैं, सुबह का इंतज़ार इन्हें हो रहा है कि सुबह उठेंगे और फिर कोई प्लानिंग करेंगे, फिर इस विषय में सोचेंगे कि कैसे आपके दिल में अपने लिए वही अट्रैक्शंस डेवलप करा जाए, या कैसे अपनी वही जगह बनाई जाए आपके दिल में जैसे पहले थी। उन सभी चीज़ों को लेकर आपको फिर से कैसे अट्रैक्ट करा जाए, कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, फिर से इस चीज़ के विषय में सोचा जाएगा। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की है, या उस तरह की गहन सोच में ये पर्सन है व्यूअर्स, ठीक है। हालांकि जो प्लानिंग्स मुझे दिख रही हैं वो सीधे रास्ते वाली या सीधी उंगली वाले नहीं दिख रहे, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी उंगली वाले मुझे इनके ये भी जो भी प्लानिंग्स हैं वो दिख रही हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। आपके पर्सन इस वक्त में अगर सामने से आकर खुद से नहीं बात कर रहे, इतना फील इतना एहसास होने के बाद, या आपके इतने ज़्यादा परसेप्शन के बदलने पर इतना हर्ट होने के बाद, तो उन सभी चीज़ों का बेसिकली मेन मोटिव यही है कि सामने से अगर आते हैं तो हर एक गलती का कन्फ्रंट करना पड़ेगा, रिश्ते को ख़त्म करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, या फिर उन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिन सवालों का जवाब आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। आज तक उन सवालों का जवाब खुद को नहीं दे पाए हैं तो आपको क्या दे पाएंगे। आज तक उन सभी चीज़ों से लड़ते आए हैं, उन चीज़ों का जवाब नहीं देना था ना, या नहीं था, इसलिए चांसेस हैं लड़े हैं आपसे जब जब आपने खड़े होकर इनसे सवाल करे हैं। तो फिर कैसे आपको उन सवालों का जवाब देंगे, और इसी रीज़न के चलते प्लानिंग्स पर फोकस ज़्यादा है बजाय सामने से आकर बात करने के। इनको ना इस वक्त में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हर्ट कर रही हैं ना व्यूअर्स, वो ये कि आप लड़ क्यों नहीं रहे हो इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए आप फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा रह रहकर डिस्टर्ब कर रही हैं। क्योंकि जब तक आप लड़ रहे हो ना कहीं श्योरिटी बढ़ रही है इस चीज़ की कि आपकी हार होगी, और उस हार के चलते आप बढ़ोगे इनकी तरफ। लेकिन जब आप लड़ ही नहीं रहे हो तो जीत हार का तो अब सवाल ही नहीं उठता है, तो वैसी फीलिंग इन्हें ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, सैड कर रही हैं। ऐसा भी देख पा रही हूँ थोड़ा लड़ने के मूड में ये ज़्यादा रहते हैं, बात बात पर ये लड़े भी हैं, ठीक है। क्योंकि अपना ईगो सेटिस्फाई हुआ है, या उस पल में ये एहसास अपने आप को दिलाया गया है उस लड़ाई की वजह से कि आपसे सुपीरियर ही हैं, या आपके लिए परफेक्ट ही हैं, या ये हर तरह से परफेक्ट है। तो वैसे भी फीलिंग आपके पर्सन की है यहाँ पे। चलिए मैं देख रही हूँ व्यूअर्स की इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएं हैं अब इनकी, इनके मैसेजेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, ओरिएंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्प्रेड गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। आई एम हेल्पलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। देखिएगा यही चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करी ना, कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो रहे हैं कि आप वापस नहीं आओगे, आप क्योंकि मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करने का फैसला ले चुके हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी जानते हैं आप, वो पर्सन हो जो एक बार जो फैसला ले लिया ना, वो ले लिया, फिर आपको उस फैसले से
डाइवर्ट करना, उस फैसले को छुड़वाना बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। आई मिस योर स्मेल, और उदास या आइसोलेशन होने के पीछे का कारण बन रहा है, आपको मिस करा जा रहा है, आपकी वो खुशबू जो इन्हें एक पॉजिटिव ऑरा फील कराती थी तो उसे मिस करा जा रहा है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, सीधा आसान रास्ता तो ये हमेशा लेते ही हैं, आपको पता ही है, और उससे कभी चूकते नहीं हैं। इसी रीज़न के चलते आपको मैनिफेस्ट करा जा रहा है, स्पेशली उस वे में कि जिधर भी आप अपना फोकस लगा रहे हो ना या लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप वहाँ पे अपना फोकस ना लगा पाओ। I have saved your photos on my phone. कहना चाह रहे हैं उन्होंने आपका फोटो अभी भी अपने फ़ोन में सेव करके रख रखा है। And I am depressed over you. हर तरह से आपने इन्हें डिप्रेस्ड कर रखा है, परेशान कर रखा है आपने इन्हें, ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं व्यूअर्स क्या क्या चांसेस बन रहे हैं एक्शंस आने के इनकी तरफ से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन सामने से आकर व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन सामने से आकर क्या कोई अब एक्शन लेंगे या नहीं। एस ऑफ सोर्स इनजस्टिस, देखो बिल्कुल सामने से आकर इन्हें फैसला लेना ही पड़ेगा या एक्शन लेना ही पड़ेगा। चीज़ें जब तक ये छुपाते आएंगे अपने आप को, जब तक ये पर्सन डिफेंसिव मोड में पहुंचाएंगे ना, नुकसान इनका भी होगा या फिर सुकून इन्हें भी उस चीज़ से नहीं मिल पाएगा जो वजह बनेगी इस इंसान की चीज़ों को क्लियर करने के पीछे की। अभी भले ये छुपते छुपाते फिर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका और इनका सामना सामना जरूर से होगा, और यहाँ पर चीज़ें जो क्लियर होंगी ना वो एकदम क्लियर कट वे में होंगी। आप उस चीज़ को ये समझिए कि इमोशन से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें लॉजिक के बेस पर यहाँ पर होंगी, और वो आप ही करने वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग यही बोल रही है कि वक्त आ चुका है यहाँ पर न्याय होने का, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ सही होने का, जिसने गलत करा है उसके साथ गलत होने का। तो अल्टीमेटली यहाँ पर न्याय तो होना है, आप भी कहीं ना कहीं न्याय मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसी के चलते यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी। मुझे वक्त यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स 1 मंथ का, और मैक्सिमम अगर जाता है मोटा मोटा तो 2 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के केस में मुझे चीज़ें एकदम लॉजिक के वे में, क्लियर कट वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हुई ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक भाई आपने लाइक क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर मुझे से पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा या नहीं करा तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।